अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अब हम करने लगे हैं हमारे पास जो आखिरी सर्जिकल प्रोसीजर नोज से रिलेटेड है, जो कि है हमारा फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, जिसको फेस कहते हैं। खाली एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी भी कहते हैं, लेकिन कॉमनली जो इसका मतलब जिस नाम से बुलाया जाता है कॉमनली फेस के नाम से। अब जो फेस है ना, इसकी इंपॉर्टेंस इस वजह से बहुत ज़्यादा है कि इस सर्जरी की वजह से हमारी बहुत सारी कन्वेंशनल सर्जरीज जिनमें हमें इंसिजन देनी पड़ती थी, जाहिर सी बात है आपको पता है कि हम लोग हर चीज़ हर दफ़ा ये कोशिश की जाती है सर्जरी में कि मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी की जाए, ऐसी सर्जरीज की जाए जिसमें कम से कम हम नॉर्मल चीज़ों को काटें पीटें और इसी तरह किसी तरह से अप्रोच कर लिया जाए। तो उसके लिए जाहिर सी बात है आपको माइक्रो इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं, बहुत बेहतर लाइट एलिमिनेशन और आपको काटने वाली ज़्यादा माइक्रो चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये सब कुछ जब हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा तो जाहिर है हमें मैक्रो इंस्ट्रूमेंट से बड़ी बड़ी चीज़ें काट के ही अंदर जाना पड़ेगा। तो पहले हम बहुत सारे जो प्रोसीजर्स करते थे, जिसमें मैंने जिस तरह आपको बताया कि एंट्रल लवाज था, इंट्रानेजल जो इंफीरियर मेटल एंट्रोस्टमी थी, या फिर कैल्डुअल लग था, उन सब प्रोसीजर्स का रिप्लेस कर दिया अब फेस ने। फेस क्योंकि आपके पास एक ऐसी सर्जरी है जिसमें आपकी जब ये एंडोस्कोप इजाद हुई जो आपकी नोज के अंदर काम कर लेती थी, तो एंडोस्कोपिक सर्जरी से हमें फायदा ये हुआ कि एक तो एंडोस्कोप आपका कैमरा ले जाती है नाक के अंदर, नोज के अंदर, तो उस एंड कैमरा से आपको जब एक टीवी की तरह या फिर एक कंप्यूटर स्क्रीन पे, एक बड़ी स्क्रीन पे अंदर सब कुछ बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होता है, तो आपके लिए सर्जरी करना बहुत आसान होता है। फिर बहुत अच्छी इल्यूमिनेशन, बहुत अच्छी लाइट अंदर प्रोवाइड करती है नोज के अंदर। अब पता है नोज के स्ट्रक्चर जैसे बहुत छोटे हैं, देखना मुश्किल हो जाता है, लेकिन एंडोस्कोप से काफ़ी फायदा हो गया। और उसके बाद फिर एंडोस्कोप के साथ जाहिर है अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स भी थे वो साथ वैसे ही डिवाइस किए गए जिनसे हम ज़्यादा शार्पली और ज़्यादा बेहतर तरीके से सिर्फ अपनी डिजायर्ड चीज़ को काट सकें, एक्सेस म्यूकोजा और एक्सेस स्किन ना कटे। तो उससे हमारे पास बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई सर्जरी में, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई उसके पेशेंट्स के रिस्पॉन्सेज और प्रोग्नोसिस में, ठीक है। तो फेस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब मैं बात करूँ ना, तो असल में क्योंकि ये बहुत कम ज़्यादा अब अचानक से अडॉप्ट, अच्छा अब तो नहीं, मतलब काफ़ी अर्सा हो गया, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रूटीन प्रैक्टिस में आ चुकी है और बहुत ज़्यादा होने वाली सर्जरी है, जिस तरह एक सेप्टोप्लास्टी थी ना, उस तरह ये फेस भी बहुत ज़्यादा होने वाली सर्जरी है। तो इस वजह से ये आपसे वाइवा में पूछते हैं। इसी क्यूज़ में इसमें से सिर्फ और सिर्फ यही आता है कि जो आप पॉलिप्स की सर्जरी आती है, एंड्रोकॉनल पॉलिप्स आपके आ जाए ना अगर क्वेश्चन में, तो उसकी सर्जरी हमसे पूछते हैं कि सर्जिकल क्या इसकी ट्रीटमेंट अगर आपसे पूछते हैं या मैनेजमेंट पूछते हैं, तो उसमें हमने एंड्रोकॉनल पॉलिप्स में सर्जिकल ट्रीटमेंट में फेस लिखनी होती है, ठीक है। कैल्डुअल लग साथ लिखना होता है इस वजह से क्योंकि पहले कुछ ऐसे एग्जामिनर्स हैं हमारे जो जाहिर है जानते हैं कि कैल्डुअल लग पहले होता था, तो हमने लिखना है कि कैल्डुअल लग जो है वॉज द ओल्ड प्रोसीजर और अब उसको फेस ने रिप्लेस कर दी, ये बात हमने लिखनी होती है। इससे ज़्यादा हमसे एग्जाम में ऐसी क्यूज में फेस के बारे में कुछ नहीं पूछते। एमसीक्यूज की अगर मैं बात करूँ तो इसमें उसमें भी ऑलमोस्ट फेस से रिलेटेड मतलब कोई बहुत एमसीक्यू खास आता नहीं होता क्योंकि इसमें कोई ऐसी बात है ही नहीं, ठीक है। सिर्फ यही हो सकता है कि एंट्रोकॉनल पॉलिप्स की ज्यादातर अगर सर्जरी की बात करके ज्यादातर उसी से रिलेशन में पूछते हैं, तो आपने फेस लिखना है। लेकिन वाइवा की जहाँ तक बात है ना, तो आपको पता है कि वाइवा में आपकी और ऑस्पीस में वो वाली चीज़ें ज़्यादा आती हैं जो उस वक्त करंटली हॉस्पिटल में ज़्यादा चल रही होती हैं। तो क्योंकि फेस बहुत ही कॉमनली होने वाली सर्जरी है, इस वजह से आपसे वाइवा में पूछते होते हैं। इसकी इंडिकेशन इतनी सारी मैंने सिर्फ इसलिए लिखी हैं क्योंकि ये आपसे ना वो पूछेंगे कि भाई फेस सर्जरी आप बताएं कि क्या होती है, या फिर पॉलिप्स से ये शुरू करते हैं अक्सर कैंट्रोकॉनल पॉलिप्स के लिए कौन सा डिजायर्ड मेथड ऑफ चॉइस होता है, तो आपने क्या है फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी से या क्या चीज़ है और किस किस में करेंगे। तो क्या चीज़ क्या है, एंडोस्कोप के जरिए वी गो टू द इनसाइड द नोज और उससे हम फिर मजीद इंस्ट्रूमेंट्स भी साथ इस्तेमाल करते हुए सर्जरी करते हैं नोज के जो नॉर्मल साइनसेज हैं, मतलब जो आपका ये नेजल कैविटी है ना, ये आपका सपोज मैक्सिलरी साइनस है, ठीक है। एंड्रोकॉनल पॉलिप अगर होगा तो हमने पहले कहा था कि हमें पंक्चर करके अंदर जाना पड़ेगा, जो हमारे एंट्रल लवाज के तरीके थे। इसमें हमें ये होता है कि हम नॉर्मल ऑस्टियम से ही अंदर चले जाते हैं और हम अंदर आराम से सब कुछ क्लियर कर लेते हैं। अब उसमें हम नॉर्मल ऑस्टियम से इसलिए भी नहीं जा सकते थे, जब मैंने एंट्रल लवाज आपको बताया था तो मैंने कहा था नॉर्मल ऑस्टियम जो है हमारे साइनस का जो नॉर्मल सुराख है उसमें से हम इसलिए नहीं जा सकते थे। एक वजह ये भी थी कि हमें नजर ही नहीं वो आ रहा होता। हम अगर ग्रॉसली सर्जरी कर रहे हैं तो इतना छोटा सा ऑस्टिया हमें वैसे नजर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए फिर हम यही करते हैं कि हम उसके लिए अपना ये कर लेते हैं, हम उसके लिए खुद से एक पंक्चर बना लेते हैं किसी अप्रोप्रिएट लोकेशन पे जो हमें पता होती है। अब यहाँ पर हमें हर चीज़ बहुत क्लियर नज़र आ रही होती है क्योंकि हम एंडोस्कोप से बाकायदा एक कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हैं सब कुछ, तो इसलिए हम बहुत क्लियरली आराम से ऑस्टिया के जरिए मैक्सिलरी साइनस में चले जाते हैं। तो इसकी इंडिकेशंस की अगर बात करेंगे ना, तो आपने बस अपने जहन में ये इतनी सारी मतलब जहन आपको थोड़ा सा याद भी रखना पड़ेगा, लेकिन मोटी सी अगर मैं बात आपको बताऊँ जो अपने जहन में रखने की, जितनी आपने पढ़ी थी ना इंडिकेशंस अपने उसमें पिछले जो आपने पढ़े कैल्डुअल लग वगैरह, वो सारी ऑलमोस्ट इसमें आ जाती हैं, ठीक है। जिसमें आपका सबसे पहले तो साइनसाइटिस है, ठीक है, साइनसिस की क्योंकि हम सर्जरी की ही बात करें, सबसे पहले साइनसाइटिस,
बैक्टीरियल साइनसाइटिस और एक्यूट साइनसाइटिस में ना कभी भी सर्जरी नहीं कहनी, ठीक है, एक्यूट साइनसाइटिस में कोई भी सर्जरी नहीं करता होता, हमेशा क्रॉनिक की बात आती है, क्रॉनिक है, रिकरेंट है, सब एक्यूट है, इन सब में सर्जरी आती है, ठीक है। तो क्रॉनिक है या रिकरेंट बैक्टीरियल है या क्रॉनिक वायरल है या क्रॉनिक फंगल है, इस तरह के साइनसाइटिस जितने भी हैं उन सब में इसकी सर्जरी हो जाएगी, फिर इस्तेमाल होगी। फिर अभी मैं बार बार पॉलिप्स का नाम ले रही हूँ, तो एंट्रोकॉनल पॉलिप्स जो आपके मैक्सिलरी साइनस से आते हैं उनमें बहुत कॉमनली ये सर्जरी होती है। उसके बाद हमारे पास वही बात है कि कोई फॉरेन बॉडी थी, जो मैंने आपको कैल्डवेल लक में कहा था कि अगर फॉरेन बॉडी इधर आई हुई है तो भी हमने उसे निकालना है उसके लिए, या फिर हमने फ्रंटल साइनस में जाना है तो फ्रंटल साइनस में भी हम फेस के जरिए जा सकते हैं। अब हमारे पास ये तो इसकी जनरल इंडिकेशन है, ये जो सारी यहाँ लिखी है मैंने बोल दी। अब हमारे पास ये जो नेजल एंडोस्कोप्स हैं इतनी अच्छी आ गई हैं कि पहले मैंने आपसे कहा था ना कैल्डवेल लक सिर्फ कुछ चीज़ों के लिए रह गई है, उन कुछ चीज़ों में मैंने आपसे कहा था कि कार्सिनोमा मैक्सिलरी साइनस हो, अगर अगर हमारे पास बहुत बड़ी फॉरेन बॉडी है, या फिर हमारे पास मैंने आपसे कहा था कि फ्रैक्चर हो अगर ऑर्बिटल फ्लोर का, ये आंखें हैं और ऑर्बिटल फ्लोर का अगर फ्रैक्चर हो जाए तो उसके लिए मैंने आपसे कहा था कि हम कैडवेल लग करते हैं। लेकिन अब इतनी अच्छी एंडोस्कोप्स आ चुकी हैं कि हमारे पास जो फ्रैक्चर्ड ऑर्बिटल फ्लोर है उसको भी एंडोस्कोप के जरिए हम यानी फेस्ट प्रोसीजर के जरिए प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ये बातें आपकी सारे वाइवा के क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ वाइवा के क्वेश्चन है। और वाइवा में यही पूछते हैं फेस्ट का प्रोसीजर कैसे होता है, ये आपसे कभी भी शायद ही कोई पूछे कि हमने पहले कहाँ जाना है, हमने किस तरफ देखना है, हमने किसको देखना है, स्फीनोइड फोइडल रिसेस के अंदर जाना है नहीं जाना, ये प्रोसीजर जो है ना ये डिटेल्स आपसे तब पूछते हैं जब स्पेशलिटी के अंदर एंटर हो जाते हैं, जब आप ट्रेनी हो जाते हैं। फिलहाल आपसे ये पूछना गवारा करना लाजमी है उनका कि किस चीज़ के लिए हमने इसको इस्तेमाल करना और मोटा सा इसमें हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये आपको याद होनी चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट कि ये सारे इस तरह के साइनसाइटिस में फ्रैक्चर और इसकी जो यही वाली बात है ना एडवांस्ड जो इसकी चीज़ें हैं, जो मैंने आपसे कहा था कि डैक्रोसिस्टोराइनोस्टमी है, यानी कि हमने जो नेजोलैक्रिमल डक्ट है उसके अंदर जाने के लिए, मतलब हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए आप इसको फेस को इस्तेमाल किया जाता है, मतलब जो चीज़ें पहले हमें बड़ी इंसिजन से करनी पड़ती थी वो अब फेस के जरिए हो जाती हैं। नॉन इन्वेसिव तरीका है, सिंपल एंडोस्कोप नॉर्मल नेजल कैविटी से लेके जानी है और इंस्ट्रूमेंट्स भी यहीं से जाएंगे और सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें ये पूछते हैं कि दो तरीके हैं या दो टेक्निक्स हैं जो इसमें हम फॉलो करते हैं, तो कौन सी वो दो टेक्निक्स हैं, तो ये आपने याद रखनी है, एक स्टेमरबर्ग है और एक वाइगेंट्स टेक्निक है। स्टेमरबर्ग टेक्निक ये होती है कि हमने पीछे से नोज वाले पीछे के नोज के पोर्शन से शुरू करना है और देखते हुए आने, सॉरी जो स्टेमरबर्ग होती है वो आगे से होती है। स्टेमरबर्ग में हमने आगे वाले पोर्शन इंटीरियर पोर्शन ऑफ द नोज से शुरू करना है और पीछे की तरफ जाना है आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ों को देखते हुए और सारे प्रोसीजर्स को ठीक करते हुए। अब स्टेमरबर्ग टेक्निक का हमारे पास फायदा तब होता है जब हमारे पास कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें हमें एग्जैक्टली पीछे तक जाने का अंदाजा ना हो, मतलब हमें पता हो और ज्यादा जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है वो आगे आगे के एरिया में है, ठीक है, तो हम स्टेमरबर्ग टेक्निक को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर मेरे पास सपोज करते हैं एंड्रोकॉनल पॉलिप्स हैं जो कि बहुत एक्सटेंसिवली फैले हुए हैं पीछे तक और उन्होंने दोनों आंखों को भी डिस्प्लेस कर दिया है, बाहर बाहर हो गई हैं दोनों, ये सारी एरिया में आपके पॉलिप्स फैले हुए हैं, तो उस केस में जो हम टेक्निक फॉलो करते हैं वो वाइगेंट्स टेक्निक है। वाइगेंट्स टेक्निक में हम पीछे से शुरू करते हैं और आगे आते हैं, ठीक है। अब जब हमें पता है, हमने सीटी स्कैन कर लिया, एमआरआई कर ली, हमें पता है कि पॉलिप पीछे तक बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और हमने पीछे सर्जरी करनी ही करनी है, तो फिर ज़्यादा बेहतर यही होता है कि पीछे से आगे आया जाए। पीछे से आगे आना ज़्यादा अच्छी बात होती है ताकि आप पीछे से सब कुछ क्लियर करते करते आगे आ रहे हो। लेकिन जब हमें ये पता है कि पीछे मसला नहीं है, ज़्यादा सीटी स्कैन एमआरआई वगैरह हम सब कुछ करा चुके होते हैं ना, तो हमें ये पता है कि पीछे मसला नहीं, मसला आगे है ज़्यादा, तो फिर पीछे से आगे आना बेवकूफ़ी है क्योंकि फिर पीछे के सारे स्ट्रक्चर्स को बिला वजह आपको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। सपोज अगर फ्रंटल साइनस में कोई मसला नहीं है, पेशेंट को फ्रंटल हेडेक नहीं है, फ्रंटल साइनस अपना ठीक से ड्रेन हो रहा है, तो मुझे फ्रंटल साइनस के अंदर घुसने की बिला वजह क्या तुक है। अगर फ्रंटल साइनस में कोई मसला होगा तभी मैं उसके अंदर जाऊंगी ना, तो इस वजह से अगर मसला आगे आगे ज़्यादा होगा तो फिर हम स्टेमर्सबर्ग टेक्निक को ही फॉलो करेंगे, ठीक होगी ये बात। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पर बताने वाली। फिर जो इसके स्टेप्स हैं, स्टेप्स में लाइक आपको ऐसे सच कुछ पता होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसको पेशेंट को जो अगर मैं बात करूँ ना कि एनेस्थीजिया कौन सा करते हैं, तो ज़्यादा जीए में ही किया जाता है क्योंकि जाहिर है ये थोड़ी एक्सटेंसिव सर्जरी होती है तो ज़्यादातर जीए में होती है। लोकल में सिर्फ तभी करते हैं अगर बहुत थोड़ा बहुत काम हो, ज़्यादातर ये पॉलिप्स के लिए होती है, बहुत एक्सटेंसिव पॉलिप्स के लिए, तो इस वजह से आपके जीए ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा जो पोजीशन ऑफ द पेशेंट होती है वो सिंपल सीधा पेशेंट लेटा हुआ होगा, हल्का फुल्का कुछ लोग हेड एलिवेट कर लेते हैं रिक्लाइनिंग पोजीशन, जैसी सारी सर्जरीज ऑफ द नोज में अभी तक हुई है, लेकिन नॉर्मली सीधा सुपाइन पेशेंट होता है और कुछ भी नहीं होता। अच्छा, इसमें ना आपसे पूछते हैं कि इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, इसकी कोई ऐसी एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, सिवाय इसके अगर आपके पास लैक ऑफ प्रॉपर एक्सपीरियंस हो ना तो आपने कभी भी ये नहीं करनी, क्योंकि आपका एंडोस्कोप का
कहीं भी इंस्ट्रूमेंट आपने कहीं लग गया, कहीं और जगह को इंजर कर दिया, तो आप इसे जल्दी जल्दी सिक्योर नहीं कर पाते. तो लैक ऑफ प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स एंड लैक ऑफ प्रॉपर एक्सपीरियंस इज अ पर्टिकुलर एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन. ये आपसे वो सुनना चाह रहे होते हैं वाइवा में, आपने इस बात को नहीं भूलना, ठीक है. उसके अलावा मैंने आपको कहा कि एक्यूट सिनसाइटिस में कभी भी नहीं करना, ऑस्टियोमेलाइटिस में नहीं करनी होती, या फिर आपके पास ब्लीडिंग के जो जिसमें चांसेस ज्यादा हो उनमें आप कोशिश करते हैं, सपोज जो प्लेटलेट डेफिशिएंसी के पेशेंट्स हैं उनमें आप अवॉइड करते हैं सर्जरी जैसी करना. अच्छा, बल्कि सॉरी, उसमें आप कर भी सकते हैं, क्योंकि इन्वेसिव तो नहीं है, इन्वेसिव सर्जरीज में ज्यादा प्रॉब्लम आती है, ज्यादा ऑस्टियोमेलाइटिस वगैरह में आप इसको छोड़ देते हैं, ठीक है. अच्छा, फिर हमारे पास एनेस्थीजिया भी होगी, अपोजिशन भी होगी, और ये भी होगी. अच्छा, आप जो स्टेप्स की बात है ना, तो स्टेप्स में क्योंकि मैंने आपसे कहा कि पेशेंट जीए में ही होता है, ज्यादा जनरल एनेस्थीजिया में होता है, तो हमें कोई ज्यादा उसमें वो नहीं होता. इसमें हम वेजो कंस्ट्रक्टर वगैरह भी देने की कोई खास हमें जरूरत नहीं पड़ती, अनलेस हमें बहुत ज्यादा काम ना करना हो. सिर्फ और सिर्फ यही याद रखना है कि जिस तरह पीछे से आगे आ रहे हैं, तो जाहिर पहले पीछे के स्ट्रक्चर्स को, स्फीनोएथमोइडल रीसेस को, स्फीनोइड एथमोइड साइनसिस की ओपनिंग्स को, और जो पीछे के सारे और स्ट्रक्चर्स थे मैंने आपको बताया पहले, वो सारे देखते देखते आगे आने हैं. अगर आगे आएंगे फिर मिडल मीएटस में आ जाएंगे, वहाँ बुल्ला एथमोइडालिस है, अनसिनेट प्रोसेस है, और आपकी मिडल मीएटस की मिडल मैक्सिलरी साइनस की ओपनिंग है, और ये सारी चीज़ें देखनी है. तो मतलब सब चीज़ों को आपने क्लियर करते हुए साइनसिस के अंदर जाना है, जिधर से भी जाना हो, और उसके अंदर सब कुछ क्लियर करके और फिर आना होता है. लाइक आपसे प्रोसीजर कोई भी नहीं पूछता, ठीक है, वरना मैं बताने लग जाऊँ तो काफ़ी लंबा है कि स्फिनोइडोटमी है, फलाना फलाना वगैरह वगैरह कोई भी नहीं पूछता होता, जरूरत ही नहीं आपके लेवल पे. बस इतनी बात जितनी मैंने बता दी इतनी बहुत ज़रूरी थी, और एंड में हमने बस यही करना होता है कि जब हम सब कुछ कर लेते हैं तो हम उसके अंदर नेजल पैकिंग कर देते हैं एंटीबायोटिक्स के साथ, और वो नेजल पैकिंग 24 आवर्स बाद रिमूव भी करनी होती है, लेकिन पेशेंट को हम एंटीबायोटिक्स और एनाल्जेसिक्स वगैरह दे देते हैं, क्योंकि जाहिर है हमने कोई सर्जरी की है ना, ये सिर्फ डायग्नोस्टिकली नहीं करना. डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी जो थी वो मैं पिछले में आपको बता चुकी हूँ, ये बाकायदा सर्जरी होती है जिस जो हमने किसी ना किसी इतने बड़े कॉज की वजह से की है, ठीक है. तो कॉज को रिमूव करेंगे तो जाहिर सी बात है कि पेशेंट को कोई ना कोई मसला भी तो रह जाएगा ना, तो इसलिए हमने उसके लिए एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स और स्टीरॉयड स्प्रेज वगैरह, डीकंजेस्टेंट्स वगैरह देने होते हैं. यहाँ पर बात खत्म करते हैं, अब नोज की सर्जरीज भी खत्म होगी, बस चार तीन चार हैं जो थ्रोट की रहेगी, अभी तक किसी कोई मसला हो के नास्क में. थैंक यू.